हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम। मींस किसी भी एक क्रिस्टल सिस्टम को बनाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट में खुद को अरेंज करते हैं तो इन्हीं की अरेंजमेंट से क्या बनता है, यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। और यूनिट सेल की बार बार रिपीटेशन से ही क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। किसी भी एक क्रिस्टल को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है थ्री डायमेंशन स्पेस में, ये कैसी होती है और किस तरीके से ये खुद को अरेंज करके क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, इनकी एक्चुअली पैकिंग कैसी होती है, ये किस तरीके से थ्री डायमेंशन स्पेस में पैक किए जाते हैं और किस पैकिंग के कारण क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, यही हमें आज की क्लास में देखना है। यहाँ पे एक चीज क्लियरली हमको पता होनी चाहिए, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने रिजिड स्फीयर कंसीडर किया है। एंड नेक्स्ट है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये सभी एक इक्वल साइज के हैं, हमने यहाँ पे साइज को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। सभी जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे इक्वल इन साइज होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग मींस किसी एक एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस हो गया हमारा एक्स, जब हम किसी एक सिंगल एक्सिस के अलोंग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पैक करते हैं या अरेंज करते हैं तो वो हमारा वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग होता है। इसको सबसे सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसे घर पे मोतियों की माला होती है, वो कुछ ऐसे अरेंज होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर उसके बगल में सेकेंड, फिर थर्ड, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। इस तरीके की अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, क्योंकि ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्या है, अटैच है, जुड़ा हुआ है। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के केस में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करें, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस कोई भी एक एटम दूसरे कितने एटम से अटैच है, अटैच विथ अदर नियरेस्ट एटम, आयन और मॉलिक्यूल, मींस कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने दूसरे एटम से अपने नियरेस्ट एटम से अटैच है, यही क्या होगी उस पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर। और वन डायमेंशन के केस में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें तो इस केस में क्या है, ये अगर एक हम एटम को कंसीडर करते हैं तो इस एक सेंटर एटम से ये हमारा एटम हो गया, इस सेंटर एटम से कितने एटम अटैच है, वन एंड टू, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी, टू आएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इस एटम का अगर हमें कैलकुलेट करना तो वो वन ही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये वन आएगा, ये यहाँ पे भी क्या होगी, इसके बगल में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इस साइड इसके बगल में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की ये कंटिन्यूअसली एक रो चलती आ रही है। हमने एक सेंटर का पॉइंट कुछ ले लिया है अपने स्ट्रक्चर या अपनी पैकिंग को समझने के लिए। तो वन डायमेंशन के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, वो टू है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग के केस में सपोज करते हमारे पास एक मिठाइयों का बॉक्स है और इस मिठाई के बॉक्स में हमको लड्डुओं को अरेंज करना है,
तो हम अपने लड्डुओं को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। ये हम वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, और वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग केवल वन एक्सिस पर होती है। अगर हम इसको अब सेकेंड एक्सिस पे जाएंगे, ये तो हमने लेंथ इंक्रीज की है, अगर हम इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की ब्रेथ को इंक्रीज करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो जस्ट इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नीचे आ जाए, और दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर पे आ जाए कुछ इस तरीके से। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम पहले वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट नीचे उसको फिक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से फिक्स होगा। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो पैकिंग है वो कुछ ऐसे होगी। अब इस केस में क्या हो रहा है, क्या हमने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है? पूरा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई किया, क्योंकि कुछ प्लेसेस यहाँ पे ये एम्प्टी प्लेसेस है ये, और ये जो हमारे पास फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है जहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने स्पेस को कवर नहीं किया है, इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को हम वॉइड्स कहते हैं। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो टू डायमेंशन के केस में इसमें ये जो पैकिंग हमने की है, इसमें जो फर्स्ट लेयर है सेम फर्स्ट लेयर की जैसे ही हमारी सेकेंड लेयर है, इसे भी ए टाइप बोल देते हैं, और सेकेंड लेयर के जैसे ही हमारी क्या ये थर्ड टाइप है। मींस जब हम ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पहले वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट नीचे प्लेस करते हैं तो इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग होती है इसे ए ए टाइप की क्लोज पैकिंग कहते हैं, ए ए टाइप क्लोज पैकिंग। अब इस केस में अगर हमें क्या निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो हमें ये देखना है कि ये एक सेंटर एटम ले लेते हैं, ये एक सेंटर एटम कितने दूसरे एटम से अटैच है, तो ये किससे अटैच है, एक इससे अटैच है, नेक्स्ट इससे अटैच है, फिर इससे अटैच है, और फिर इससे अटैच है। अगर मैं इन सभी अटैच्ड एटम को इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं तो ये किस तरीके के की स्ट्रक्चर जनरेट करे, स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं, तो ए ए टाइप क्लोज पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि ये एक एटम फोर नेक्स्ट एटम से अटैच्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, फोर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हम कुछ इस तरीके की क्लोज पैकिंग को करते हैं। ये फिर से हमारा मिठाई का बॉक्स है। फर्स्ट टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को वन डायमेंशन में कुछ इस तरीके से अरेंज किया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में हमने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट नीचे अरेंज किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन था वो क्या था कि हम अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कुछ ऐसे अरेंज कर सकते थे, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने टू डायमेंशन में अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया है। अब इस केस में देखें तो ये जो फर्स्ट रो है इसे ए बोलते हैं, क्या सेकेंड रो भी हमारे फर्स्ट रो के जैसी है, नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बी। फिर थर्ड रो क्या है, ये सेम एज टू ए है, तो ये हो गई हमारा ए। फिर ये बी के जैसे है तो ये बी, और ये फिर कैसे, ये ए। तो जब टू डायमेंशन में हम एबीएबी टाइप की पैकिंग को फॉर्म करते हैं या एबीएबी टाइप की पैकिंग करते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फर्स्ट रो के दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अटैच करते हुए जब हम अपना नेक्स्ट रो को अरेंज करते हैं तो इस तरीके की जो पैकिंग होती है उसे एबी टाइप क्लोज
पैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, इस केस में कोई भी एक सेंटर एटम लेते हैं। सपोज करते हैं ये एक सेंटर एटम ले लिया हमने। इस सेंटर एटम को लेते ही तो इससे कितने सेकेंड दूसरे एटम अटैच, एक ये एटम अटैच है, दूसरा ये अटैच है, तीसरा ये अटैच है, चौथा ये अटैच है, पांचवा और छठवा, इन सभी अटैच एटम को अगर हम इस तरीके से अरेंज कर दें, एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो ये क्या करे, एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए एबीएबी टाइप की क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसको जब हम अरेंज करते हैं एक सेंटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच अदर जो एटम होते हैं, इनको जब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या फॉर्म करें, एक रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अब इस केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कितने एटम अटैच हैं, तो वो 6 एटम अटैच हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो 6 आएगा। नेक्स्ट जो हमको पैकिंग करनी है वो अब हम 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की थी, 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की थी। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को करेंगे। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हमने 2 टाइप की क्लोज पैकिंग की थी, एक AA टाइप की क्लोज पैकिंग की थी और नेक्स्ट जो क्लोज पैकिंग की थी वो AB टाइप की क्लोज पैकिंग की थी। तो 3 डायमेंशन में जब हमारी जो क्लोज पैकिंग होगी वो एक AA टाइप क्लोज पैकिंग से होगी और दूसरी ABAB टाइप की क्लोज पैकिंग से करेंगे। तो आइए 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हम जो क्लोज पैकिंग देखेंगे वो AA टाइप की क्लोज पैकिंग है। AA टाइप की क्लोज पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में हमने क्या किया था, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट नीचे हमने क्या किया था, अपने सेकेंड टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया था कुछ इस तरीके से। और जब 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग करेंगे तो नेक्स्ट जो पैकिंग होगी वो क्या होगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अबव साइड होगी। ये हमने लेंथ इंक्रीज की थी, ब्रेथ इंक्रीज की, अब हमें जो इंक्रीज करना है वो क्या करना है, वो हाइट इंक्रीज करना है। मींस ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा अब वो इन्हीं बॉल्स के जस्ट ऊपर होगा। जैसे आपने मिठाई के एक बॉक्स को नीचे साइड पूरे तरीके से कवर कर दिया है, अभी उसमें इतनी स्पेस है कि बॉक्स के ऊपर साइड भी मिठाई के, यानी मिठाई की सेकेंड लेयर को भी हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। तो इस तरीके की जो क्लोज पैकिंग होती है, जैसे ये एक टाइप की पैकिंग है, इसमें हमने क्या किया था, ये 1 डायमेंशन हुई, फिर हमने ऐसे पैकिंग की तो ये 2 डायमेंशन है। अब जो नेक्स्ट पैकिंग करेंगे वो हम हाइट इंक्रीज करेंगे, मीन्स इस एटम के जस्ट ऊपर रखेंगे। और जैसे ही हम इस एटम के जस्ट ऊपर पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर रखने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कुछ ऐसे रखते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ये हमने क्या किया है, ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखा हुआ है, ये ऐसे। तो इनको जब हम इस तरीके से पैक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 3 डायमेंशन में जो क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में जब हम AA टाइप के क्लोज पैकिंग को
थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो यूनिट सेल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ये हमारा थ्री डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट जो टू डायमेंशन में हमारी क्लोज पैकिंग थी वो थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से अब हम किस में जाएंगे, थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग को स्टार्ट करेंगे। जब थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट जो हमारा हेक्सागोनल के केस में स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने सबसे पहले कुछ ऐसे अरेंज किया था, ये हमारी फर्स्ट अरेंजमेंट थी। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे उनको दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच होते हुए कुछ इस तरीके से अरेंज किया था। जब टू डायमेंशन से हम थ्री डायमेंशन में जाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इन पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर रखेंगे। अब इस केस में हमारे पास दो तरीके से हम 2D से 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास ये कुछ इस तरीके के एक ट्राइंगल दिख रहा है, स्ट्रेट ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे क्या, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है। मीन्स अब हम क्लोज पैकिंग में क्या कर सकते हैं, या तो हम नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो इस स्ट्रेट ट्राइंगल पे रख सकते हैं या इस इन्वर्टेड ट्राइंगल के ऊपर रख सकते हैं। इस स्ट्रेट ट्राइंगल को हम ए स्पेस बोल सकते हैं और ये इन्वर्टेड ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं, बी। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पैकिंग करते टाइम पे जो ये फ्री स्पेस यहाँ पे हमको दिखाई देता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ए वॉइड हो गया और ये हो गया हमारा बी वॉइड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने सबसे पहले क्या किया था, कुछ ऐसे अरेंज किया था, ये हमारी फर्स्ट रो थी, फिर ये हमारी सेकेंड रो है, फिर ये हमारी थर्ड रो है। अब यहाँ पे चीज क्लियर दिख रही है कि हमारे पास दो टाइप के ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ है, एक स्ट्रेट ट्राइंगल है और दूसरा इन्वर्टेड ट्राइंगल है। स्ट्रेट ट्राइंगल को हमने ट्राइंगल ए वॉइड का नाम दिया है और इन्वर्टेड ट्राइंगल को बी वॉइड का नाम दिया है। नेक्स्ट जो हम पैकिंग करेंगे उस केस में या तो हम इस स्ट्रेट ट्राइंगल को कवर कर सकते हैं या तो इस इन्वर्टेड ट्राइंगल को कवर कर सकते हैं। इन केस अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी स्ट्रेट ट्राइंगल को कवर कर रहे हैं, तो ये एक हमारा ये ट्राइंगल हुआ, दूसरा ये ट्राइंगल हुआ, फिर एक स्ट्रेट ट्राइंगल यहाँ पे है और एक नेक्स्ट जो स्ट्रेट ट्राइंगल है वो यहाँ पे है। तो इस केस में जब हमने सभी स्ट्रेट ट्राइंगल को कवर किया तो हमारे पास दो नए स्पेस का फॉर्मेशन हुआ है, एक ये एम्प्टी स्पेस है और दूसरा ये एम्प्टी स्पेस है, यानी दो नए वॉइड का फॉर्मेशन हुआ है जब हम टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग को स्टार्ट किए हैं। तो ये जो वॉइड दिख रहा है जहाँ पे हमें एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ है ये होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये जो वॉइड है ये क्या हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट जब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, मीन्स नेक्स्ट जो पैकिंग करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के इनके जस्ट ऊपर करेंगे, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हैं या तो हम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हैं। एक चीज आप क्लियरली ध्यान से देख लीजिए कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इस केस में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे है और ठीक इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर क्या है, ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये इस तरीके से, और ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या है, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे है और तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर साइड है। तो आइए अब नेक्स्ट जो कवरिंग करेंगे हम वो या तो इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए करेंगे या तो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को
कवर करते हुए करेंगे। तो हमने क्या किया, सभी हमारे जो स्ट्रेट ट्रायंगल थे उन सभी स्ट्रेट ट्रायंगल को इस तरीके से कवर कर लिया था। और जैसे ही हमने इन सभी स्ट्रेट ट्रायंगल को कवर कर लिया था तो हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ था। एक ये वॉइड है जिसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, और नेक्स्ट जो वॉइड था वो क्या था, कुछ ये वॉइड है जिसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। हेक्सागोनल के केस में जब हम नेक्स्ट जो कवरिंग करेंगे वो क्या कर सकते हैं, या तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हैं या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले किस वॉइड को कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के केस में क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा जस्ट नीचे था और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट ऊपर क्या थे, हमारे पास तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज थे। इन तीनों को अगर हम इस तरीके से अटैच कर दें तो ये क्या कर रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जनरेशन कर रहे हैं, इसीलिए इनको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये सिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी तो इस केस में क्या थे, हमारे पास हेक्सागन के केस में जो नीचे की लेयर होती है उसमें एक हेक्सागन का फॉर्मेशन था। हेक्सागन के जस्ट ऊपर मैंने बताया था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट ऊपर मैंने क्या किए थे, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखे थे, तो ये हमारे क्या आ गए, थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और जब हम सेकेंड लेयर को अप्लाई करेंगे तो फिर से क्या होगा, यही हेक्सागन का फॉर्मेशन जनरेट होगा कुछ इस तरीके से। इन सभी को अगर हम एक दूसरे से अटैच कर दें तो नीचे की जो लेयर थी वो भी क्या कर रही थी, ये एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रही थी, ऊपर की भी जो लेयर है वो भी क्या कर रही, एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रही है। मींस नीचे की जो लेयर है वो ऊपर की लेयर के क्या है, जस्ट इक्वल है। तो इसे अगर हम ए टाइप बोल सकते हैं तो ये क्या होगी, क्योंकि ये ए से क्या है, ए लेयर से अलग है, तो ये हमारा बी टाइप की लेयर हो गई। और नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो कैसे हो जाएगी, फिर से ए टाइप की। तो जब हम सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो हमें ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग मिलती है। और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वो नीचे के भी हेक्सागन से अटैच होगा और ऊपर के भी हेक्सागन से अटैच होगा। अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इसमें से ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो नीचे के भी हेक्सागन के सभी सिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच होगा, वो ऊपर के भी सभी ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 6 + 6 = 12। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने पर जो एबीएबी टाइप की क्लोज पैकिंग मिलती है उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, वो 12 होता है। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, तो ऊपर साइड भी क्या है हमारे पास, एक हेक्सागन है, नीचे साइड भी हमारे पास क्या है, एक हेक्सागन है, और जिसके सेंटर पे क्या है, हमारे पास तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसके ईच कॉर्नर पे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। इन सभी ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम एक दूसरे से अटैच कर दें
तो ये क्या होगी, एक हेक्सागोनल टाइप की क्लोज पैकिंग का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन है। तो एबी एबी टाइप को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मींस एच सी पी। नेक्स्ट टाइप की जब क्लोज पैकिंग करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, मींस कवरिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ईच जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे तो इस केस में हमने देखा था कि सबसे नीचे क्या थे, स्ट्रेट ट्राइंगल था, और इस स्ट्रेट ट्राइंगल को ही हमने क्या किया था, कवर किया था। तो कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमको देखने को वहां पे मिला था, और यही क्या है, हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। इस केस में जब हम इसकी कवरिंग करेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर हमको जनरेट होगा, जहां पे यहाँ जिस केस में यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ भी मीन्स सभी ईच कॉर्नर पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम अटैच कर दें इस तरीके से, तो ये क्या, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ। बट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब इस केस में क्या, जो फर्स्ट लेयर है वो इक्वल है सेकेंड लेयर के, या जो फर्स्ट लेयर वो है उसमें सभी जो लेयर्स है वो एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा नहीं है। ऑक्टाहेड्रल केस में यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्या सेकेंड लेयर पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो भी सेम है ए लेयर के, नहीं तो ये क्या हो गई हमारी बी लेयर। नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो कैसी आ जाएगी, ये हमारी ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गई हमारी सी लेयर। फिर क्या आ गया हमारा ए लेयर, फिर बी लेयर, और फिर क्या आ जाएगा सी लेयर। मीन्स जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो उस केस में हमारा जो पैकिंग होती है वो होती है एबीसी, एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। और एबीसी एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल जनरेट हो रहा है वो कैसा है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जैसा दिख रहा है, क्योंकि सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कॉर्नर पे, कॉर्नर के अलावा वो फेसेस पे भी है। ये क्या है हमारे फेसेस है, ये अबव फेस है और ये बिलो का फेस है, आगे का फ्रंट फेस और ये बैक फेस है। तो जब एबीसी एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग होती है, मीन्स जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, तो उस केस में हम एबीसी एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग करते हैं, और जो यूनिट सेल जनरेट होता है वो कैसा होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी, ये इक्वल होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के मीन्स सीसीपी के। और इन दोनों ही केसेस में पैकिंग के मीन्स सीसीपी के, और इन दोनों ही केसेस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा सिक्स, इन दोनों ही केसेस में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेगा। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 12 होती है। थैंक यू।